क्या वजह कि खान साहब की क्या बात अच्छी लगती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई हारे। हर बंदे के मुंह से सुने, पाकिस्तान जिंदाबाद तो निकलेगा लेकिन साथ में अपनी राय भी निकलेगी। मियां नवाज शरीफ अगर मुल्क में वापस आ जाते हैं तो उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए? ये वफादार गुलाम, इन्होंने 3.5 साल में क्या किया था? मौजूदा हुकूमत अच्छी थी या पहले वाली? पहली गवर्नमेंट जो था वो 100% झूठों की थी। मैं तो बाजवा साहब का भी दोष दूँ। मौलाना फजल रहमान आपको ठीक लग रहे हैं, वो उन लोगों के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज मायरा खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक अहम मिशन पे निकली हुई हूँ। वो अहम मिशन क्या है? वो अहम मिशन ये है कि आज मैं सर्वे करने वाली हूँ मौजूदा हुकूमत के बारे में। क्या ये हुकूमत कामयाब हुई है या नहीं, ये जानने के लिए आज मैं आई हूँ लाहौर लिबर्टी मार्केट में, और यहाँ पे लोगों से उनकी राय जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। सो आ जाएं फिर मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मिसेस शमसा जावेद। अच्छा मिसेस शमसा, मुझे ये बताइए कि खान साहब के साथ जो हुआ उस पर आप क्या कहेंगी? खान साहब के साथ जी बहुत बुरा हुआ है, ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए। हमें इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। अच्छा 35 साल से जो आए, जिन्होंने खाया, जो आजमाए हुए थे, वो ऐसे रात के 12 बजे अदालतें खुली और उनके हक में सारे फैसले हुए और सारा कुछ होता गया। जो कुछ इस वक्त पंजाब में हो रहा है आप सबके सामने है, ऐसी तारीख में कोई चीज़ नहीं होगी जैसे इमरान खान के साथ हो रहा है, और जैसे जज मिले हुए हैं, और जो मैं तो बाजवा साहब का भी दोष दूंगी, जो बाजवा साहब कर रहे हैं उनको बिल्कुल नहीं ये करना चाहिए, जो जज कर रहे हैं हमारे वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फौज का कोई कसूर नहीं? आप फौज का कसूर है जी, फौज का कसूर ना होता तो ये सारा कुछ ना होता। इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी, लेकिन अच्छा मुझे ये बताएं कि खान साहब अगर तो हमारी है ना, हम भी तो फौज के ही है ना, हम बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन अगर फौज साथ ना देते तो कुछ नहीं हो सकता जी। इस वक्त यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि मौजूदा हुकूमत अच्छी थी या पहले वाली खान साहब की हुकूमत अच्छी थी। बताएं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आम आवाम को आप लोगों ने टाइम दिया है बोलने का। तो दूसरी बात जो गवर्नमेंट की है कि पहली गवर्नमेंट जो है वो 100% झूठों की थी। बड़े बड़े दावे करते थे खान साहब, बड़े बड़े दावे करते थे, लेकिन हर जो बात उन्होंने की है झूठ बोला है, और हर बात पे यू टर्न लिया। पहले हैं जिसने मुझे कहा है ये, और अभी वो चले गए हैं, और जब गए हैं तो इस तरह डबो के गए हैं कि आने वालों के लिए बड़ी मुश्किल होंगी। तो यानी कि जो अब शहबाज शरीफ की हुकूमत है ये अच्छी है? नहीं, ये तो तारीख बताती है ना कि ये अच्छी है। इन्होंने पहले जब ये थे तो मुल्क तरक्की कर रहा था, ग्रोथ पे था, हर बंदे का कारोबार ठीक था, और अभी देखें क्या हो रहा है। अच्छा, मैं पूछ सकती हूँ आप क्या करते हैं? जी मैं रिटायर हूँ आर्मी से। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। यानी कि जो इनके बारे में कहते हैं कि खाता था तो लगाता भी तो था, ये बात सही है? बिल्कुल ये बात सही है, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि मैं, मेरी हमदर्दियां नून लीग के साथ हैं। अच्छा। ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए। गुटा गुटा क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मैं नून लीग को सपोर्ट करता हूं। मैं नून लीग को सपोर्ट करता हूं। हाँ। और एक बारी फिर कहें ना। चलो वो तो आएगा, आ गया ना अभी, एक बारी फिर तो ये जाएगा तो फिर आएगा ना। अच्छा। अभी तो शेर है। और खाता थोड़ा था, लगाता ज्यादा था। यानी कि आप कह रहे हैं अभी है, यानी कि इलेक्शन नहीं होंगे फिर? नहीं, इलेक्शन होंगे तो फिर आएगा ना। आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं पहले इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करता हूँ, नून लीग को, नून लीग को। उन्होंने क्या किया? ये कह रहे जी उन्होंने बहुत अच्छा किया है। इन्होंने 3.5 साल में क्या किया था पहले? ये गए भाई है झूठ, वो कहते हैं झूठ ठीक है, यू टर्न जो लेता है वो कामयाब इंसान है। रात को बोलो, कमिटमेंट करो, सुबह यू टर्न ले लो। यानी झूठा इंसान सच। खान साहब के बारे में सुना था जिस चीज़ का नोटिस लेते थे वो महंगी हो जाती, महंगी हो जाती थी। उनकी कोई भी चीज़ ठीक हुई है? कोई उन्होंने कमिटमेंट पूरी की है? ऐसे तो महीना हुआ, कहते सस्ती नहीं हुई चीजें। तो सेहत कार्ड भी तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। किसको मिला है? उनको खुद को ही मिल गया मुझे लगता है। सारे कार्ड उनको ही मिल गए हैं। अच्छा। वो अपनी सेहत ठीक कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कायम कह रहे केपी में हमें मिला, इधर आए जरा इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। असल में नून लीग के सपोर्टर है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। नहीं, हाँ मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इमरान खान के बारे में इस तरह के वर्ड्स यूज करना ये गलत बात है। तो सेहत कार्ड आपको मिला था? बिल्कुल मिला है, मैंने उस पर इलाज भी किया अपने घर वालों का। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो अभी मैं आपको लेके जाता हूँ केपी के, आप देख ले, हर घर में हर किसी के पास सेहत कार्ड है। तो कितने पैसे आपने यूज किए? पैसे छोड़े, आप सेहत कार्ड दिया है ना उन्होंने, ठीक है, उसमें आप 5 से 10 लाख तक इलाज कर सकते हो घर वालों के लिए। तो ये और क्या चाहिए आप लोगों को? अच्छा, जो खान साहब के साथ जो लोग हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, आपको लगता है वो ठीक है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि खान साहब के साथ है। मौलाना फजलुर रहमान आपको ठीक लग रहे हैं, वो उन लोगों के साथ खड़ा है। मौलाना फजलुर रहमान कौन? मौलाना नहीं जानते आप? वो कौन है?
मौलाना फजल रहमान नाम क्या है डीजल। मैं इस तरह से उनकी बेहरमती तो नहीं करता क्योंकि केपी वाले जो लोग हैं वो उनके साइड में। ये डीजल किसने कहा था, आवाज आई थी? इन्होंने कहा था। मैंने कहा था डीजल। डीजल किसको कहा था? मौलाना फजल रहमान को। हाँ, तो चेरी ब्लॉसम कौन है? चेरी ब्लॉसम सारे है हमारे। इमरान खान ने कहा ना थ्री स्टूजेस। स्टूजेस का मतलब पता है क्या होता है? एक होता है गुलाम, जो आम बंदा होता है जो गुलामी करता है। एक होता है वफादार गुलाम, ठीक है, ये वफादार गुलाम है, ठीक है। और हमें इस मुल्क ये जो मुल्क है ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साए तले बना है और इसके साथ सिंसियर रहना है। हम सब ने इसके साथ सिंसियर रहना है, ठीक है, और इस मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। अच्छा जी, खान साहब के लिए नारा लगाएं। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। चोर किसको कहा आपने? चोर ये देखो ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने आज अपने सारे केसेस खत्म कर दिए। एफआईआर ने दरख्वास्त दे दी कि हम केस को आगे पर वसूल नहीं करना चाह रहे। 40 अरब रहे जो चपरासियों के अकाउंट में आए और वो खुद मान। ये चपरासी कौन है? इनका मुलाजिम है जिसका 20,000 रुपए सैलरी है, उसकी दुकान उसके अकाउंट में 14 अरब रुपए है और ये मान रहे कि वो हमारी बिजनेस। आप किसी थाने में जाओ तो आप देखो आप कितना जलील और ख्वार हो रहे हो। वो जमानत पे आए है, जमानत पर वजीर आजम बन गया है। ये तो सारी अदालतों और इस मुल्क की तोहीन है। सारे आप शर्जील मेमन से लेकर सिराज दुरानी को देखो, जरदारी को देखो और हमजा शहबाज को देखो, शहबाज शरीफ को देखो, जिसको अभी तक ये नजर जो जो और भी जोड़ते हैं, जो जहांगीर तरीन को भी साथ मिला दिया, अलीम खान को भी साथ मिला दिया, जो एक आधा बचा था वो भी उन्होंने कब मिलाया? वो खुद आए हैं उनके साथ, उनको भी साथ मिला दिया, खुद आए ना, तो एक ही ग्रुप है, सारा एक ही ग्रुप है। पहले उन्होंने कोशिश की खान के साथ जाके हम कोई चोरियां करेंगे, जहाँ से रास्ता नहीं मिला वापस आप चोरों के पास चले गए। एक ही ग्रुप है सारे। अच्छा जी मुझे बताएं, अगर मियां नवाज शरीफ अगर मुल्क में वापस आ जाते हैं तो उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए, कोई बताएगा मुझे? उनको बिल्कुल कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। ताकि उनसे जो पैसे उन्होंने चोरी किए हैं वो पैसे निकालो उनसे और इस मुल्क के ऊपर इन्वेस्ट करो। देखो मेरी बात सुनो, आप लोग ठीक है, आप लोगों को गुस्सा है सारा कुछ, लेकिन जो देखे वहाँ पे हरम शरीफ में जो हुआ, आवाजें कसी गई उन सब पे, चोर हुआ इमरान खान के साथ भी हुआ था, आपको इस बात का पता है? इमरान खान के साथ देखिए मस्जिद नबवी की तकद्दस अपनी जगह पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपनी जानों अपने माँ बाप से भी ज्यादा प्यारे हैं, ठीक है। वो पीटीआई वाले जिन्होंने भी ये काम किया है उन्होंने गलत किया है, ठीक है। वो जाहिल लोग होंगे जो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे में इस तरह से उन्होंने हरकत की है, लेकिन रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही उन्होंने यही पैगाम दिया था कि अदल के साथ खड़े हो, इंसाफ के साथ खड़े हो। आप चोरी करके वहाँ पे जाओगे तो सारा सिस्टम वहाँ से ही चलता है, फिर जलालत भी तो उन्होंने देना है। अच्छा जी अभी चलते फिरते एक बहुत अच्छी यूट्यूबर मुझे मिल गई हैं, मलाइका, इनसे पूछते हैं कि ये इस हुकूमत के बारे में क्या कहती हैं, ये हुकूमत बेहतर है या पहले वाली हुकूमत बेहतर थी जी? वैसे तो अगर देखा जाए तो मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ और मैं ना तो नून लीग को सपोर्ट करती हूँ ना पीटीआई को करती हूँ, क्योंकि हर सियासतदान जो भी आता है ना हर बंदा अपने मतलब के लिए आता है, अपने असूल आके मुसलत करता है। अवाम के दुख को, अवाम की गहराई को कोई नहीं समझता, वो अपने उन्होंने रूल्स बनाए होते हैं, उन्होंने सोचा होता है कि हमारी गवर्नमेंट जानी, हमने फलां काम सीधे करने हैं, इस तरह करना है, वैसे करना है, और ये करके वो आते हैं। और हमारे लोगों के बारे में कौन सोचता है? कोई भी नहीं। अब सिर्फ ये है कि अब एक नई चीज़ शुरू हुई है, अब एक नई चीज़ का आगाज़ हुआ है कि लोगों में बगावत आई है कि वो अपने लिए कुछ सोचें। तो इमरान खान के जलसे में आप इमरान खान के जलसे को ना देखा करें, आप देखा करें कि वहाँ पे जो क्राउड कटी है, जो आवाम वहाँ पे मौजूद है वो अपने हक के लिए मौजूद है। आवाम को इख्तलाफात है अपनी गवर्नमेंट से कि ये चीज़ इस तरह होनी चाहिए थी, हमारे बारे में किसी ने सोचा नहीं, तो हम अपने बारे में अब सोचेंगे। जो यंगस्टर्स हैं वो बदतमीजी से बात करें और जो है वो जलसों पे जाके डांस करें, तो यू थिंक कि ये ठीक है? नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि यंगस्टर्स जो हैं वो वॉयलेंस फैला रहे हैं ये हरकतें करके, लोग जो उनको देख रहे हैं, जो उनको कॉपी कर रहे हैं, बड़े ही फ़खर के साथ जाके वो भी डांस करना साथ शुरू हो जाते हैं, दो थप्पड़ लगाए अगले बंदे को कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए हमने अपनी जो सोसाइटी है ना उसमें पीस, उसमें एतमाद, उसमें एक जो एक तमीज़ है हमने खुद कायम करनी है। हम खुद हर एक बंदा लीडर है, जिसके पास दिमाग है, जो सोच रहे अपने कौम के हवाले से, अपने मुल्क के हवाले से, वो हर बंदा अपने आप में एक लीडर है। वहाँ पे जो आपको लगता है लोग मौजूद होते हैं वो आवाम की हैसियत से मौजूद होते हैं, वो एक लीडर की हैसियत से मौजूद होते हैं। हर बंदे के मुंह से सुने पाकिस्तान जिंदाबाद तो निकलेगा, लेकिन साथ में अपनी राय भी निकलेगी। फातिमा मुझे बताओ कि क्या वजह है कि खान साहब की क्या बात अच्छी लगती है आपको? यह बात मतलब क्या ऐसी बात है कि आपका दिल करता है कि आप उन्हें सपोर्ट करें?
लाइक वो सबसे चेंज है, जिस तरह नवाज शरीफ है उनमें मतलब पॉलिटिक्स उन वो सबसे डिफरेंट लगते हैं मुझे। तो अगर खान साहब का जलसा होता है तो जाती हैं फिर आप? जाती थे पहले, इस टाइम नहीं गए, अभी रिसेंटली नहीं गए। नहीं करे। अच्छा आप मुझे बताइए कि वो इलेक्शंस की डिमांड कर रहे हैं, अगर इलेक्शंस होते हैं खुदा ना खासा पीटीआई जो है वो हार जाती है तो क्या कहते हैं आप इस बारे में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई हारेगी। और दूसरी बात ये कि अभी आप ये देखें कि अभी जो ये करंट सेटअप गवर्नमेंट का है इसमें कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है कि जो हमारी अवाम में, थोड़ा अवाम के लिए बात करना चाहूँगा कि अवाम को कोई चीज़ ऐसी लगे या इन्होंने कोई ऐसा मंशूर दिया हो, कोई ऐसा हमें इन्होंने प्लेटफॉर्म दिया हो, को वे ऑफ फ्यूचर दिया हो कि जिसमें जाके ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभी डॉलर बहुत ऊपर निकल गया है और फ्यूल की प्राइसेस की गवर्नमेंट हर दूसरे दिन कहती है कि फ्यूल की प्राइसेस से सब्सिडी हम ख़त्म कर देंगे, और बिजली का भी इशू बहुत ज़्यादा, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। और फिर अभी हम थोड़ा सा फील कर रहे हैं जो हमारे फॉरनर्स हैं, स्पेशली पाकिस्तानी फॉरनर्स हैं, उनका ट्रस्ट ख़त्म हो गया इस गवर्नमेंट के ऊपर, तो ये भी एक ऐसा इम्पैक्ट है जिससे। और फिर अभी ये थोड़ा सा जैसे पाकिस्तान को खान साहब ने हैंडल किया है ड्यूरिंग द कोरोना, अब वो सिचुएशन पाकिस्तान उससे निकला है बाहर। अभी नो, दिस इज़ द राइट टाइम कि अभी खान साहब को इनको टाइम पूरा देना चाहिए था ताकि उसके बाद ये एनालाइज करते, एवेल्यूएट करते कि अभी खान साहब ने इस मुल्क के लिए क्या किया, क्योंकि हम समझते हैं उन्होंने कुछ बेहतर किया, उनकी टीम में कुछ फॉल्ट हो सकते हैं, उनके कुछ लोग। कौन से उनकी टीम में कौन से लोग आपको लगता है उनके साथ सही नहीं चले? देखिए मेरा ख्याल में उनके साथ पहले बात तो ये कि खान साहब ने जिस तरह गवर्नमेंट बनाई थी, कुछ लोग जो अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए उनके साथ थे वो आफ्टर आप कह लें आफ्टर ए ईयर वो सब लोग हाईलाइटेड हो गए। उनके उन्होंने जो कुछ पाकिस्तान के साथ किया, अभी शायद ये है कि अभी, लेकिन ये खान साहब की पार्टी या उनकी टीम अभी थोड़ा मेच्योरिटी की तरफ जा रही है, कुछ चीज़ें हुई हैं उनसे लेकिन अभी ये मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं और आने वाला टाइम में इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएंगे। जी फ्रेंड्स, आपने देखा कि आज हमने सर्वे किया जिसमें हमने मुकाबला करवाया अपनी तरफ से पीटीआई वर्सेस नून लीग। सो अभी तक जितने भी लोग हैं यहाँ पे पीटीआई के सपोर्टर मुझे नज़र आए हैं, और जो कि बड़ी हैरत की बात है, हालांकि वही अवाम है जो कि पहले रो रहे थे महंगाई बहुत होगी खान साहब के दौर में, अब वही लोग हैं जो चाह रहे हैं कि खान साहब वापस आएँ। सो आज के लिए इतना ही, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नए सर्वे में नए लोगों के साथ। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।